आप देख सकते हो ये है मेन न्यूज स्टडी टेबल जिसको मैंने अभी परचेज किया एकदम खाली रखी हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक मेक ओवर दू या फिर से ऑर्गेनाइज करूँ सो मैंने सोचा वाई नॉट टू रिकॉर्डेड सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी स्टडी टेबल का मेक ओवर सो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है साथ बहुत ज्यादा शेयर करना सो विदाउट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके okay, सो so सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है लैम्प एंड उसके बाद मैं रखूंगी अपने पेस्टिल हाइलाइटर्स सो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैंने लैंप के स्टोरेज एरिया पे रखूँ बट दिस वॉज लुकिंग वेरी बैड सो मैंने सोचा कि वी हैव टू चेंज दिस फिर मैंने रखा एक पेन स्टैंड और मैंने सोचा कि मैं उसमें हाइलाइटर्स रख के देखूं लेकिन जो मैं पेन स्टैंड का ओपन एरिया था वो काफ़ी छोटा था एंड उस पर मेरे हाइलाइटर्स बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहे थे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर से वो चेंज करना पड़ा एंड आई एम सुपर सॉरी गाइज कि मैं इतने सारे फ्राइडेज से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे थे इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी बट आई प्रॉमिस कि मैं आपसे हर फ्राइडे वीडियो डालूंगी फिर मैंने अपने पेन स्टैंड में कुछ नॉर्मल पेन्स एंड कुछ क्यूट पेन्स को भी रख लिया देन जो मेरे टेबल नाम का ओपन एरिया था उसमें मैंने रख दी कुछ कलर्ड पेन्स वैसे स्टडी टेबल काफी ज्यादा न्यू है हमने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था एंड मेम पाप ने बहुत मेहनत से इसे जोड़ा है देन मैं रख रही हूँ साइड में ये बहुत ही ज्यादा क्यूट से राधा कृष्ण जी की मूर्ति ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है एंड उसके बाद मैं रखूंगी मेरी हैंडमेड फेविक्रिल क्ले की बनी शिवलिंग एक प्लांट भी तो होना जरूरी है ना तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट रख दिया मुझे प्लांट बहुत ज्यादा पसंद है मुझे अपनी स्टडी टेबल पे एक ना एक प्लांट तो चाहिए ही चाहिए होता है तो यहाँ पे मैं जगह डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन से साइड पे प्लांट रखना चाहिए फाइनली मैंने वो राधा कृष्ण जी की मूर्ति के बगल में प्लांट को रखा फिर मैंने रखा मेरे फेवरेट कलर ऑरेंज का एक मोबाइल स्टैंड ना कि हम इस पर सिर्फ मोबाइल रख सकते हैं लेकिन पढ़ते समय कभी कभी टैबलेट की भी ज़रूरत हो सकती है तो उस पर वो भी आसानी से आ जाता है फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हाई को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डायरेक्ट स्टडी टेबल पे भी रख सकती हूँ इससे ने यूज़ करने में भी मुझे आसानी होगी एंड ये मेरी स्टडी टेबल का अपर पार्ट हो गया कंप्लीट एंड अब हम स्टार्ट करेंगे बॉटम पार्ट से जो कि है शेल्फ्स सबसे पहले और छोटी वाली राख में मैंने रखा मेरा लैपटॉप का चार्जर और एक छोटा सा स्पीकर फिर सेकेंड वाली राख में मैंने रखा लैपटॉप क्योंकि कभी कभी पढ़ते समय हमें लैपटॉप की भी जरूरत पड़ जाती है इसलिए जैसे मुझे दूर ना जाना पड़े तो मैंने उसे यहीं पे रख दिया और उसके बाद मैंने उसके साथ ही अपना टैबलेट भी रख लिया सबसे बॉटम वाली रैक में मैंने रखी अपना पेंसिल बॉक्स और एक मैथ्स की बुक क्योंकि मैथ्स हम रोज सॉल्व करते हैं इसलिए मैंने उसे यहीं पे रख दिया स्टडी टेबल पे सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है इसलिए मैं रख रही हूँ अपना जर्नलिंग किट क्योंकि मैं इस पर अपना आर्ट क्राफ्ट जर्नलिंग सब इसी टेबल पे करूंगी एंड उसके साथ मैंने रख दी अपनी न्यू डिज्नी प्रिंसेस बाइंडर वाली जर्नल जो कि आपने कल के मिनी ब्लॉग में देखी ही होगी इसके बाद मैं रखने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड प्यारा सा मर्मेड इरेजर सेट मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ तो इसलिए मैं इसको स्टडी टेबल की बॉटम रख रही हूँ इसको भी मैंने रख दिया और हमारी पूरी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। ओ वेट वेट चेयर रखना तो भूल ही चेयर भी रख ली अब हो गई स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। सो ये है मेरी स्टडी टेबल का एक फाइनल लुक तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लो मुझे तो अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया वैसे कमेंट्स में आप लोग बताना कि आप अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज रखते हो या मैसी रखते हो मैं तो एक्चुअली दोनों रखती हूँ मैसी रहती है तो ये है मेरी पूरी स्टडी टेबल का फाइनल लुक एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट सो अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत ज्यादा शेयर करना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना एंड आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन